Hello students, good morning to all. Today I am going to explain you EVS chapter number 21 and the topic is the world in my home. मतलब पूरी दुनिया मेरे घर के अंदर. Okay? बहुत ही अच्छी कहानी. Just listen to me. Have your attention here. Okay? Tug of war. Once again, everybody in Mumtaz family is quarreling over watching the TV. मतलब एक बार वापस क्या हुआ, ममता की फैमिली की स्टोरी है. यहाँ पे सब लोग क्वारलिंग कर रहे. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्वारलिंग? क्वारलिंग मतलब झगड़ा कर रहे हैं. किस बात पे? टीवी देखने के बाबत में. जस्ट लाइक दे डू एवरी डे दैट विच प्रोग्राम टू वॉच. मतलब घर में अगर दादी है, दादा है, पापा है, बच्चे लोग हैं, मम्मी है, तो सबको मतलब अलग अलग अपना देखने का टेस्ट होता है. जैसे दादियों को कोई भक्ति का या कोई ऐसे प्रोग्राम देखना चाहिए, पापा को न्यूज़ देखना होता है या फिर क्रिकेट मैच देखनी होती है, तुम लोगों को कोई कार्टून्स देखना होता है, मम्मी अपने हिसाब से कोई कुकिंग शो या सीरियल देखने का होता है. तो अलग अलग सबका टेस्ट होता है और टीवी एक ही होता है. ओके, चलो अभी आ गया है मोबाइल, बट पहले तो टीवी ही थे. इस चैप्टर तो टीवी ही है. तो इस सबका क्वारलिंग हो रहा है. मतलब एक चीज़, कौन सा प्रोग्राम? टू वॉच प्रोग्राम. ममताज ब्रदर वॉन्ट्स टू वॉच अ क्रिकेट. जैसे मैंने बोला आपको, ममता के भाई को क्या लगा है, उसको क्रिकेट का प्रोग्राम. वाइल लिटिल सेजल इज ईगर टू वॉच अ फेवरेट प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स. और सेजल को गानों का, सॉन्ग्स का प्रोग्राम देखना है. मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम आर डिफरेंट. देखो अब घर पे चाची भी होती है और मम्मी भी होती है, दोनों होते हैं. अब दोनों होते लेडीज है. ओके, बट किसी को गाना रियलिटी शो अच्छा लगता है, किसी को सीरियल देखना अच्छा लगता है. ओके, सबका टेस्ट अलग है टीवी में देखने का प्रोग्राम का. मम्मी इज लाइक टू वॉच डिफरेंट. मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़ व्हाइल आंटी एंजॉयस टीवी सीरियल. देखो मम्मी को न्यूज़ अच्छी लगती है जबकि आंटी को टीवी सीरियल अच्छे. ममता वॉन्ट्स टू वॉच कार्टून एंड डैडी एंजॉयस द फुटबॉल मैच. देखो अब इतने सारी चीज़ें एक टीवी में कैसे देख सकते सब लोग. ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग. मतलब कौन बोल रहा है ही? मतलब यहाँ पे ममता का भाई. ओके, ही कैन वॉच ओनली इन द इवनिंग. मतलब शाम को ही देखती हूँ. पापा ऑफिस गए होते, मम्मी किचन में होती है, दादी को कोई और काम होता होगा, आंटी सब लोग, मम्मी सब लोग टीवी देखते हैं. आप लोग कोई ट्यूशन से जा के आते हो, फिर तभी कोई नहीं होता है घर पे, तो बच्चे लोग उस टाइम का मज़ा ले सकते हैं. फाइनली एवरी वन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच. फिर क्या हुआ, अब पापा घर पे आ गए तो पापा तो अपनी ही जीत करेंगे क्योंकि वो पूरा दिन बाहर रहते हैं. तो फिर पापा ने फिर फाइनली क्या किया, फुटबॉल मैच ही रखी टीवी पे. नाउ इन योर होम टू डू पीपल आर्ग्यू फॉर फैंस. क्या आपके घर में भी कहीं झगड़े होते, फैन ऑन करो कम करना, क्लो ज़्यादा करना, फिर कभी न्यूज़पेपर के बारे में, टीवी के बारे में, कोई चेयर दो हो. और किसी को क्या होता है, मैं इसी चेयर पे बैठूँ, ये मेरी चेयर, इसलिए जिद होती है. तो ये सब चीज़ें नॉर्मली फैमिलीज में होता रहता है. इन योर होम हु सेटल्स सच आर्ग्यूमेंट्स. मतलब मेरी तेरी कोई भी बात चलती है ना, जो भी झगड़े छोटे मोटे घर के अंदर होते हैं, तो फिर आपके घर में झगड़े कौन सेटल करता है? जो बड़े होते हैं. जैसे बच्चे झगड़ते हैं तो मम्मी कर लेती है, पापा मम्मी का मामला होता है तो उनसे बड़े जो होते हैं वो सेटल कर लेते हैं. टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर इज आर्ग्यूमेंट ओवर सच थिंग्स. हैव यू एवर सीन सम पीपल्स ओवर समथिंग एल्स? वाई द डिफरेंस? देखो क्यों डिफरेंस है. इट्स 7 o'clock इन द इवनिंग. प्रतिभा इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस. अब क्या हुआ, शाम को 7 बजे है, प्रतिभा घर जाने के लिए बहुत ही उतावली हो रही है. वो अपने घर के फ्रेंड के घर गई थी और फ्रेंड के घर से उसको रिटर्न होना है, पर वो अपने घर जाने के लिए बहुत जल्दी कर रही है. क्यों? हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड. अब यहाँ पर उसके भाई भी है संदीप और संजय, वो लोग तो मस्ती से खेल रहे हैं बाहर गलियों में. ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ. दे आर इन नो हरी टू गो होम. उनको तो कोई जल्दी नहीं है, तो फिर क्यों प्रतिभा के साथ ऐसा? इवन इफ दे आर लेट नो बडी विल स्कोल देम. और अगर वो लेट भी हो जाते हैं ओके, तो भी उनको कोई डांटता नहीं है. स्कोल्ड मतलब डांटना. ओके, प्रतिभा शाम को 7 बज गए, अब आप ही कहीं अपने किसी फ्रेंड्स के घर जाते हो ओके खेलने के लिए, तो मम्मी बोलते टाइम पे आ जाना. अब इसमें क्या, प्रतिभा लड़की है और संदीप और संजय उनके भाई है, वो बॉयज़ है.
मतलब बॉयज को कोई नहीं बोलता है, गर्ल्स को ही क्यों, सब लोग डांटते हैं जल्दी आने के लिए, देर हो गई रात को, ये सब. ओके, प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज़ नॉट फेयर. प्रतिभा को ऐसा लग रहा है कि मुझे ही डांट, मैं मुझे 7 बज गए तो मुझे जाना होता है, मेरे भाई सब 7 बज गए तो वो तो आराम से खेल रहे हैं, उनको तो कोई जल्दी है ही नहीं और ना ही कोई टेंशन है कि उनको कोई डांटेगा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ये सही नहीं है. फेयर का मतलब क्या होता है, लड़का और लड़की के बीच में जो फ़र्क कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं कि लड़की को तो इतने देर तक नहीं रहना चाहिए बाहर, लड़का तो कहीं भी रह चले, तो वो एक डिफरेंस होता है. ओके, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा प्रतिभा मान रही. वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर रूल फॉर हर ब्रदर. वो बोल रही लड़कियों के लिए एक रूल, मतलब उसको जल्दी आना है, लड़के की चाहे कितना भी मस्ती करे, पढ़े नहीं, लेट से आए तो उनको कुछ भी नहीं डांटते, क्यों ऐसा ऐसा करके प्रतिभा सोच रही है. नाउ डज दिस थिंग काइंड ऑफ थिंग हैपन्स इन योर होम और इन योर फ्रेंड्स हाउस, क्या ऐसी बातें होती है. हाँ, मोस्टली सभी लोग सब जगह पे क्या होता है, लड़कियों के मामले में सब लोग ऐसा करते ही है. ओके, डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट रूल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, वुमेन एंड मैन, क्या हर जगह पे लड़की और लड़कों के लिए रूल्स डिफरेंट होने चाहिए, मतलब लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए. हाँ, पहले के ज़माने में थोड़ा बहुत था, आजकल तो फिर भी कुछ फैमिलियाँ सुधर गई है तो उनको कुछ इतना नहीं करना पड़ता है. ओके, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ गर्ल्स हैड टू फॉलो ट्रेडिशनल रूल्स मेड फॉर बॉयज एंड बॉयज हैड टू फॉलो. सोचो अगर लड़कियों को बॉयज का रूल्स फॉलो करना, जैसे उनको जल्दी आना ये सब, और लड़कियों को मतलब देर से आओ तो चले, ऐसा दोनों का मतलब चेंज कर दे, एक्सचेंज कर दे. ओके, लड़की वाला रूल लड़के पे अप्लाई करो, लड़कों वाला रूल लड़कियों पे अप्लाई करो, तो कैसा रहेगा. एक चीज़ है, लड़कियां देर से आती तो क्या होता है, पेरेंट्स को एक डर लगा रहता है कि कुछ हो ना जाए ये सब, बट आजकल सभी पेरेंट्स अपनी लड़कियों को भेज रहे हैं, थोड़ा बहुत थोड़ा चेंज हो रहे टाइम के साथ. नाउ मीना की आंटी, ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, बलून्स है, कोई एक लेडीज है और एक वो ना टोपली वाला है. वन डे मीना आंटी टुक पिंटू एंड पिंकी एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच. एक दिन मीना की मम्मी आंटी ने क्या किया, पिंटू और पिंकी वो उनके बच्चे होंगे, उनके फ्रेंड्स को लेके बीच गई. व्हाट इज़ बीच, बीच मतलब दरिया किनारा होता है, सी शोर होता है, जहाँ पे एक तरफ मिट्टी होती है और दरिया आता है, जैसे जुहू बीच आपने पिक्चरों में फिल्म्सों में देखा होगा, जुहू बीच है, मरीना बीच है, मुंबई में है. दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन अ जेंट व्हील. उन लोगों ने मिट्टी मतलब वहाँ पे दरिया भी होता है और मिट्टी भी होती है, तो सब लोग क्या करते हैं, अब सिटी में तो क्या होता है, कहीं पे भी खेलने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, जैसे गार्डन है, कोई बीच है, ये सब जगह पे लोग जाते हैं बच्चे और खेलते हैं, क्योंकि बॉम्बे जैसी सिटियों में सब लोग फ्लैट में रहते हैं, तो वहाँ कोई मतलब आप जैसे नीचे खुले ग्राउंड में खेलते हो वैसे वहाँ पे कोई ग्राउंड ग्राउंड वगैरह नहीं होते. आजकल नए नए बंगले जो बन रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ग्राउंड की फैसिलिटीज़ है, बच्चों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड है, ऐसा सब कुछ बना रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल रहा है कि आजकल बच्चे खेलने के लिए बच्चों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, तो फ्लैट्स में आजकल हाई राइज फ्लैट बना रहे हैं, वहाँ खेलने की जगह, फिर एक्सरसाइज के लिए रूम, ये सब वगैरह बना रहे हैं थोड़ा बहुत. तो ये लोग बीच गए हैं, फिर उन्होंने मिट्टी वाले घर बनाए, पानी में जाके बीच में जाके पानी में खड़े रह के उन्होंने मज़े लिए, फिर वो बड़े से जेंट व्हील, जेंट व्हील मतलब क्या होता है, जो हम बोलते हैं चकडोल, ऊपर बैठ के फिर ऊपर चकडोल में चढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जेंट व्हील, वो पई व्हील की जैसे ही होता है, फिर उन्होंने चकडोल में बैठ के मज़े लिए. आफ्टर दैट दे एट भेलपूरी एंड टॉर्बन. अब वहाँ सब जाने के बाद फिर उन्होंने क्या की, भेलपूरी ली खाने के लिए और फिर फुग्गे लिए, बलून्स गुब्बारे. देन एवरीबडी एन्जॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फी. फिर सब लोगों ने आइसक्रीम भी खाई. अब भाई बाहर जाते हैं सब लोग खा के मज़ा ही करते हैं ना, हम खाने और मज़े लेने के लिए तो जाते ही है, तो ऐसे ही ये भी आंटी ने बच्चों को बहुत मज़ा करवाया. व्हेन कुल्फी सेलर आस्क फॉर मनी ही मेड अ मिस्टेक. अब फिर कुल्फी वाले ने को पैसे दिया तो क्या हुआ, वहाँ पे एक थोड़ी गलती हो गई. ही चार्ज फॉर 5 कुल्फी इंस्टेड ऑफ 7. अब गुल्फी वाले को ऐसा लगा कि उसने सिर्फ 5 कुल्फी ही दिए जबकि
इन लोगों ने 7 कुल्फी ली थी, तो फिर उन्होंने काउंट करवाया। बट मीना आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू द कुल्फी सेलर। पर मीना की मम्मी पढ़ी लिखी थी, उसको पता था हमने 7 कुल्फीज लिए, तो मीना की मम्मी आंटी ने, जबकि कुल्फी वाले ने तो 5 कुल्फी के ही पैसे मांगे थे, बट मीना की आंटी ने बोला नहीं हमने तो 7 लिए, और उन्होंने 7 के पैसे पूरे के पूरे कुल्फी वाले को दे दिया। मीनाज आंटी एक्ट ऑन दैट डे विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाई जब। अब फिर सब बच्चे भी थे, उन्होंने भी देखा कि नहीं आंटी ने देखो 7 लिए, अगर वो चाहते तो 5 का ले सकते, दो कुल्फी के पैसे तो उनके बच जाते ना, जबकि कुल्फी वाले को तो पता ही नहीं था। बट नहीं, हमें किसी के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए, उनसे गलती हो गई पर हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमें काउंट करना आता है 7 कुल्फीज के पैसे कितने हुए, तो हम गलत कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों को ये एक चीज़ अच्छी सी याद रहेगी कि नहीं हमें किसी के साथ कोई भी गलत काम नहीं करना है। व्हाट शुड आई डू, अब देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए। अक्षय लव्स हिज ग्रैंडमदर वेरी मच। अब यहाँ पे अक्षय एक लड़का है, वो अपनी दादी को बहुत ही प्यार करता है। आप लोग भी अपनी दादी को बहुत प्यार करते होंगे, है ना। हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो लव्स हिम डियरली। उसकी दादी भी अक्षय को बहुत ही प्यार करती है। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर ऑफ अवर क्लीननेस, मतलब उसको सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए। दादी कैसी होती है, कोई गंदा नहीं होना चाहिए, सभी चीज़ें साफ़ होनी, तो धो के खाया करो, हैंड वॉश करके खाओ, ऐसी सफाई के मामले में बहुत ही वो है। अनिल इज़ अक्षय फ्रेंड। अक्षय का फ्रेंड कौन है, अनिल करके एक लड़का है, वो अक्षय का फ्रेंड है। हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू। उसकी दादी को भी अनिल बहुत अच्छा लगता है। बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस। दादी को भी अनिल अच्छा लग रहा है जो अक्षय का फ्रेंड है, बट दादी बार बार अक्षय को क्या कहती है, तुम्हें अनिल के घर जा रहा है, तू वहाँ कभी पानी मत पीना, तुम कभी उनके घर जाकर खाना नहीं, क्यों ऐसा। बिकॉज फ्रीक्वेंटली समवन और अदर एट हिज हाउस इज सिक। उनके घर पे बार बार कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है। ओके, फ्रीक्वेंटली का मतलब बार बार उनके घर में कोई बीमार ही होता है, इसलिए उनकी दादी क्या बोलती है, अक्षय की दादी, कि तुम्हें वहाँ जाके उनके घर खाने नहीं पीना है, मतलब कभी कुछ लोग सफाई नहीं रखते हैं, ओके, पानी वगैरह, तो कभी कभी हम पानी गंदा होता है तो भी हम बीमार पड़ते हैं, या फिर खाना ख़राब हो जाता है, हम जैसे सुबह का शाम के खाते हैं बासी खाना तो भी हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए उसकी दादी क्या बोलती है अक्षय को, कि तुम्हें वहाँ जाके ना ही पानी पीना है ना ही होना, उनके घर में हर रोज़ कोई ना कोई बीमारी होता है तो तू भी बीमार हो जाएगा। दादी को फिक्र हो रही थी। वन डे देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस। एक दिन क्या हुआ, वॉलीबॉल की मैच थी अनिल के घर के पास। इट वॉज अ हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच। सब उस दिन बहुत ही धूप थी और सब लोग बहुत ही थक गए थे मैच खेलने के बाद। अनिल इन्वाइटेड सब एवरीबडी टू हिज होम। अनिल ने अपने सब, मतलब अनिल के घर के बाजू में सब वॉलीबॉल मैच खेल रहे थे, तो उसका घर पास में था, तो मैच जैसे फिनिश हुई तो अनिल ने क्या किया, अपने फ्रेंड सभी को अपने घर बुलाया कि आओ मेरे घर नजदीक ही बैठो। अनिल्स मदर गिव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे ड्रैंक इट। अनिल की मम्मी ने, जैसे आप भी अपने फ्रेंड को लेके आते हो तो आपकी मम्मी फिर पानी है, बच्चों को जो चाहिए ऐसी सब चीज़ें बनाती है ना, नाश्ता ये सब, तो वैसे ही अनिल की, जैसे ही अपने फ्रेंड्स को लेके आए तो अनिल की मम्मी ने सभी बच्चों को पानी दिया और सब लोगों ने पी भी लिया। व्हेन अनिल हैंडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर ही सडनली रिमेंबर्ड हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग। अक्षय स्टेयर्ड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू। क्या हुआ, फिर जब अनिल ने अक्षय को पानी दिया तो क्या हुआ, उसको अपनी दादी माँ की बात याद आ गई कि नहीं तुम्हें अनिल के घर का पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है। अब वो बेचारा कन्फ्यूज़ हो गया, उसको पानी पीना था, बहुत तरस लगी थी, बट दादी ने मना किया तो वो अनिल के सामने देखता ही रह गया। स्टैर्ड का मतलब क्या होता है, वो अपने ही अनिल के सामने देखते ही रह गया। अब कि मैं क्या करूँ, दादी ने मना किया, अब मुझे पानी पीना है, अब मैं क्या करूँ, ऐसे करके वो कन्फ्यूज़ हो गया। वॉट डू यू थिंक अक्षय विल डू, अक्षय क्या करेगा। अब किसी को जब बहुत ज़्यादा तरस लगी होती है पानी पीने की तो पानी तो बेचारा पिएगा ही कोई। वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज, क्यों अक्षय कन्फ्यूज, बिकॉज हिज ग्रैंड मदर
हैड टोल्ड नॉट टू ड्रिंक वाटर और ईट एनीथिंग फ्रॉम अक्षय हाउस. ओके, व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? अक्षय को क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? देखो, फर्स्ट वाली सोफरी में क्या था, लड़की और लकड़े लड़के के बीच में डिफरेंस था. व्हाई द डिफरेंस? ओके, ये वाली बात आपको समझाई गई. ओके, ये जल्दी नहीं आया इसलिए फर्स्ट स्टोरी वो. सेकेंड में क्या दिखाई दे रहा है, हम पढ़े लिखे हैं इसलिए हम किसी को चीट नहीं कर सकते हैं. देन थर्ड वन में क्या है, किसी के घर जाते हैं तो मतलब सबके घर का पानी नहीं पीना, कोई बीमार है तो उनके घर का पानी नहीं पीना. नाउ थर्ड फोर्थ देखो, हु विल डिसाइड, कौन डिसाइड, डिसाइड का मतलब क्या होता है, तय करेगा. ओके, कोई भी डिसीजन लेना होता है ना घर पे, क्या करना होता है, कोई बड़ा फंक्शन, उसको बोलते हैं डिसाइड. कर्शन कम्स फ्रॉम अ लार्ज फैमिली, कर्शन एक बड़ी फैमिली से आ रहा है, बहुत बड़ी फैमिली. हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, उनके सबसे बड़ा भाई है, अंकल है, वही फैमिली के बारे में, सबकी फैमिली के बारे में ध्यान रखें. दे आर फील्ड्स मनी मैटर्स एक्स्ट्रा, मतलब उनकी खेत के बारे में, पैसे जो भी है, उन सब के बारे में कौन ध्यान रखता है, कर्शन. ओके, ही डिसाइड अबाउट स्मॉल एंड बिग थिंग्स टू अदर हैं, मतलब वही सब कुछ, बड़ी छोटी जो भी बात होती है फैमिली के अंदर, क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सबके बारे में वही डिसाइड करते हैं. टिल नाउ कर्शन हैज वर्कड इन द फील्ड, अभी तक कर्शन भाई खेत में काम कर, बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, अब उसको क्या करना है, कुछ अलग करना है काम. ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम द बैंक एंड बाई अ चक्की फ्लोर ग्राइंडर मशीन टू ग्राइंड ग्रेन्स. अब इतने साल तक इन्होंने खेत में काम किया और दूसरा बिजनेस किया, अब क्या हुआ है, अब उनको कुछ नया बिजनेस करने की सोच रहे. क्या सोच रहे हैं कि हम चक्की लगा दें, मतलब हम जो गेहूँ दलने के लिए जाते हैं ना पीसने के लिए, उससे फिर गेहूँ से फिर आटा बना दें, तो हमें चक्की आटा चक्की के वहाँ जाना पड़ता है ना, चक्की आटे के चक्की में पीसता है सभी लोड, तो उनको वो लोड पीसने वाली चक्की लानी थी और वो वाला बिजनेस स्टार्ट करना था. कि तो देयर इज सो मच मशीन इन देयर विलेज, बहुत सारी मशीन वाले हैं जो आटा पीसता है. कर्शन इज कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल, देयर इज नो सच मशीन देयर, मतलब उनके गांव में ऐसी कोई मशीन है नहीं जिसमें आटा पीस सके. तो कर्शन लाल को इतना कॉन्फिडेंस था, मतलब उनको पता ही था कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे कोई लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे गांव में है ही नहीं चक्की आटा पीसने वाला मशीन, तो और मैं लगाऊंगा तो सबका काम भी इजी हो जाएगा और मेरी कमाई भी हो जाएगी. दर्शन इज कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम टू अर्न मोर मनी फॉर देम, मतलब उनको पूरा विश्वास था. कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, पूरा विश्वास था कि अगर मैं चक्की आटा लगाऊंगा तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा और मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ अपनी फैमिली के. फादर हैज एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क, पापा ने भी हाँ बोल दी कि हाँ भाई तुम्हें जो काम करना है नया वाला तू कर, क्योंकि उनको पता था गांव में है ही नहीं कोई चक्की वाला और मैं लगा दूंगा तो सब लोग मेरे पास ही आएंगे तो मेरी कमानी होने वाली है, इसलिए उनके पापा भी राजी हो गए. बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू डू दिस, उनके सबसे बड़े अंकल जो हैं ओके इसके अक्षय के, वो इस चीज़ के नहीं मान रहे कि नहीं नहीं लगवाना है. नाउ आई डोंट लाइक इट, अब क्या हुआ है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा है. क्या अच्छा नहीं लग रहा है, मीना एंड रितु वेर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग लंगड़ी, मतलब दो फ्रेंड्स हैं मीना एंड रितु, वो लोग लंगड़ी, जैसे आप सबको पता होगा आपकी बहनें भी खेल रही होगी लंगड़ी है ना, तो वो खेलने के बाद वो घर जा रही थी. वेट कम ऑन कम ऑन कम टू माई हाउस प्लीडेड मीना पुलिंग रितुस हैंड, मीना ने क्या बोला कि रितु चल मेरे घर, चल मेरे घर, ऐसे करके वो खींच के ले जाए. इज योर अंकल एट होम, तो वो रितु क्या पूछ रही, क्या तेरे अंकल घर पे है, इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम, रितु आंसर. तो रितु ने क्या बोला, वो मतलब मीना
उसके घर खींच के लेके जा रही है, बट रितु जाने को तैयार नहीं है। और फिर वो ले जा रही थी तो फिर उससे पूछा तेरे अंकल घर पे है, तो फिर उन्होंने तो मीना ने बोला कि अगर तेरे घर पे तेरे अंकल है तो मुझे नहीं आना है। अब क्यों नहीं आना है अब देखते हैं। ओके बट वाई डू यू से दैट अंकल लाइक्स यू, तो मीना पूछ रही कि तू क्यों अंकल के बारे में पूछ रही, अंकल तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। ओके ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु एट होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स। अब मीना बोल रही कि मेरे अंकल तो पूछ रहे थे तेरी फ्रेंड को घर पे लेके आना, मैं तुम दोनों को बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा। बट इसमें क्या है, रितु को पसंद नहीं है मीना के घर जाना, और मीना खींचे जा रही है कि चल मेरे घर, चल मेरे घर, क्यों नहीं आ रही। अब क्या है मामला देखते हैं। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना, फिर रितु ने ज़ोर से अपना हाथ मीना से छुड़वाया कि छोड़ मुझे ऐसे करके, सेइंग दैट आई एम स्कैर्ड ऑफ योर अंकल। उसने क्या बोला हाथ छुड़वा के कि मुझे तेरे अंकल से डर लगती है, आई डू नॉट लाइक इट, मुझे वो अच्छे नहीं लगते, एंड इवन ही इवन टचेस माई हैंड, मुझे वो मेरे हाथ पकड़ते तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके अंकल है, पापा है, दादी है, मम्मी है, ये आपको छूते तो आपको अच्छा लगता है, ओके दैट इज़ गुड टच, बट कोई अनजान इंसान हमें छूता है तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें कुछ अजीब लगता है ना उनके, मतलब आपके पापा के फ्रेंड्स हो ये सब हो तो वो दिखाई देता है, पर कुछ लोग अजीब से हमें टच करते, तो इसलिए मीना को, रीना को, रितु को ऐसे ही कुछ हुआ है। ओके वो गई होगी उनके घर और उनके अंकल ने कुछ इस तरह से टच किया होगा, तब से वो डर गई है, इसलिए रितु को मीना के अंकल पसंद नहीं है। उसने क्या हुआ, मुझे डर लगता है तेरे अंकल से, और जब वो मेरे हाथ भी छूते तो, सेइंग दिस रितु वेंट होम, ये कह के रितु अपने घर चली गई। ओके सो आप भी बच्चे हो रितु की जैसे, तो ये आपको भी ध्यान रखना है, अगर आपके घर के कोई भी मतलब है फैमिली मेम्बर से आपको छूते हैं, कभी कभी कुछ लोग अजीब तरीके से भी छूते हैं आजकल, बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों को भी। ओके सो बी केयरफुल, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप अपने पेरेंट्स को कह ही देना, चुप मत रहना। ओके ताकि उनको भी पता चले, इसलिए बोल रही हूँ आई डोंट लाइक दिस। देखो यहाँ पे क्या, हैव यू एवर डिसलाइक एनी पर्सन, कि आपको किसी का टच करना आपने कभी किया है कि नहीं मुझे आप टच मत करो, मुझे मत नहीं अच्छा लगता है। इफ़ यू वेर एट रितुज प्लेस व्हाट वुड यू, अगर आप रितु की जगह पर होते और आपके साथ किसी ने ऐसा किया हो तो आप क्या करते, सेम जो रितु का हो रहा है। व्हाट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन, क्या करना चाहिए, मतलब इसकी तरह ही उनसे दूरी रहने में मजा रहता है, नहीं जाना। एवरीबडीज टच इज़ नॉट सेम, सब लोग मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि सब लोग जो टच करते हैं, जैसे टीचर्स का आपको टच करते हैं तो प्यार से करते हैं तो अच्छा लगता है, आपको भी पता चल जाता है, पर कुछ लोग अजीब से करते तो आपको अच्छा नहीं लगता है। ओके सो आप भी बच्चे हो, गर्ल्स को स्पेशली बहुत ध्यान रखना है और बॉयज़ को भी, सो बी केयरफुल अगर कोई ऐसा हो रहा है। ओके सो दिस इज़ योर लेसन। ओके फर्स्ट में हमने क्या देखा, लड़के और लड़की का डिफरेंस देखा, यहाँ पे फैमिली में थोड़ा बहुत झगड़ा देखा प्रोग्राम्स के लिए, फिर लड़की और लड़की का फ़र्क देखा, लड़की जब लेट आती है घर पे तो सब लोग डांटते हैं और लड़की लेट आए तो कोई नहीं बोलता है। फिर मीना जांटी यहाँ पे मतलब वो गुल्फी वाले को कम पैसे दिए, पर फिर भी आंटी ने गिन के काउंट करके सही पैसे दिए, ये हमने देखा। फिर फोर्थ वाली क्या थी, वॉट शुड आई डू, मतलब अक्षय के घर पानी नहीं पीना है, अनिल के घर पे जाके वो बता रही थी क्योंकि उनके घर में सब बीमार होते हैं। ओके और फिर हमने क्या देखा, ये वाला जो भी नया बिजनेस करना है तो उनके लिए परमिशन दे दी। ओके क्योंकि उनके गांव में कोई चक्की आटे वाला है ही नहीं, सो उनको पता ही था कि अच्छी खासी कमानी होगी तो तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर। फिर ये टच वाला रितु और मीना के अंकल का, सो दिस इज़ योर लेसन, होप यू वुड अंडरस्टैंड।